नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी अपने इंदौर वासी जो भाई बहन हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपना खास ध्यान रखें इस महामारी में। कल मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को, इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूं, ताकि वो कुछ न कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें जरूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हम इस महामारी से जल्द बाहर आ सकें। मुझे विश्वास है कि माँ अहिल्या की इस नगरी में जब आप सब लोग जुड़कर एक दूसरे का साथ देंगे तो हम जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी अपने इंदौर वासी जो भाई बहन हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपना खास ध्यान रखें इस महामारी में। कल मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को, इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूं, ताकि वो कुछ न कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें जरूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हम इस महामारी से जल्द बाहर आ सकें। मुझे विश्वास है कि माँ अहिल्या की इस नगरी में जब आप सब लोग जुड़कर एक दूसरे का साथ देंगे तो हम जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी अपने इंदौर वासी जो भाई बहन हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपना खास ध्यान रखें इस महामारी में। कल मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को, इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूं, ताकि वो कुछ न कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें जरूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हम इस महामारी से जल्द बाहर आ सकें। मुझे विश्वास है कि माँ अहिल्या की इस नगरी में जब आप सब लोग जुड़कर एक दूसरे का साथ देंगे तो हम जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी अपने इंदौर वासी जो भाई बहन हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपना खास ध्यान रखें इस महामारी में। कल मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को, इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूं, ताकि वो कुछ न कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें जरूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हम इस महामारी से जल्द बाहर आ सकें। मुझे विश्वास है कि माँ अहिल्या की इस नगरी में जब आप सब लोग जुड़कर एक दूसरे का साथ देंगे तो हम जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार।